विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में स्कूल प्रबंधकों द्वारा मनमानी तरीके से फीस वृद्धि को लेकर और अन्य मांगों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फूलबाग से चौराहे पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सपा विधायक ने बताया कि जिस तरीके से लॉकडाउन में कोरोना वायरस से समस्याएं आई हैं, उनसे कोई अछूता नहीं रहा है। सबके पास किसी न किसी प्रकार की समस्या है, फिर चाहे वो व्यापार को लेकर हो या फिर रोजगार को लेकर हो। कोरोना का कहर जारी है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार के साधन मिल नहीं रहे हैं, ऐसे में भी स्कूल है जो मंदी का दबाव सहन करने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को दबाव बना रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बना लें कि स्कूल वाले अध्यापकों पर दबाव न बनाए और फीस माफ करें, यदि माफ न कर पाएंगे तो हम माफ कर देंगे। आज किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप? आज तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। हमने केवल मांग करी है, बड़ी संख्या में अभिभावक आए हैं। यदि सरकार नहीं चेती तो अगले एक हफ्ते में कोई निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग है कि संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड व अन्य बोर्ड के छात्रों की विगत चार महीने की फीस माफ की जाए, तो वहीं शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार कम से कम 8,000 प्रति माह सहायता प्रदान करे और नए साल की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव न किया जाए, बच्चों के ड्रेस को भी न बदला जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।